हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल ऑफ यू। वेल, सभी बीमारियों का एक इलाज। खुश रहिए, बहुत अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। खुश रहना कोई किसी को सिखाता नहीं है, इट्स अ नेचर, ये आपका नेचर होना चाहिए खुश रहना। और बाउंस बैक करने के लिए न्यूट्रिशन से फुलफिल्ड चीजें पीजिए, खाइए। न्यूट्रिशन रिच, इलेक्ट्रॉन रिच फूड्स को ग्रहण कीजिए, उसका इंटेक कीजिए। और जब आप अच्छी अच्छी चीज़ें खा रहे होते हैं, सात्विक चीज़ें खा रहे होते हैं, जिससे कि आपका मन प्रसन्न और खुश रहता है, उसके बाद वर्जिश कीजिए। जितना आप खाते हैं, जितना एनाबोलिज्म है, कैटाबोलिज्म भी रखिए, जिससे कि इवन आउट होती रहे चीज़ें। हम अपना सिंकअप शुरू रखते हैं और करते हैं सिंकअप्स। लेट्स डू इट। डॉक्टर्स डे पे स्पेशल चैलेंज, 70 रोप स्किप्स मिनिमम 70 सेकेंड्स में। लेट्स डू इट। टाइम हो गया है, 1 मिनट 10 सेकेंड्स। वेल, हैप्पी डॉक्टर्स डे टू ऑल माय कलीग्स, माय सीनियर्स, माय फ्रेंड, माय गुरुज। तो जितना हम खाते हैं उतना ही हमें बर्न करना चाहिए। देखिए, सबसे चीपेस्ट टफ थोड़ी है उनके लिए जिनका जिनको भी प्रिपेयर करना है, अपने हाई कॉन्शियसनेस को अपने प्रिपेयर करना है उसके लिए। और जब आप वो प्रिपेयर हो जाता है तो सारी चीज़ें इजी हो जाती हैं। तो जितना हम खाते हैं उतना हमें बंद कर लेंगे तो हमें कोई बीमारी नहीं होगी। तो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना इसलिए हेल्थ के लिए अच्छा होता है कि इनमें जो लिखे मंत्र होते हैं हमारे हाई कॉन्शियसनेस को। अच्छी किताबें पढ़ना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज उनमें जो चीज़ें लिखी होती हैं, जो श्लोक्स लिखे रहते हैं, जो मंत्र होते हैं, उनसे हमारा कॉन्शियसनेस इफेक्ट होता है। इसीलिए बुक पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत अच्छी बुकें पढ़ना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। और डॉक्टर्स डे पे ये एडवाइस एनर्जी डॉक्टर आपको देते हैं। बहुत अच्छी किताबें पढ़ी, जब कोई गिफ्ट कर रहा हो ना, तुरंत ले लीजिए अच्छी किताबें, क्योंकि उससे आपका कॉन्शियसनेस इन्वॉल्व होता है। हाई कॉन्शियसनेस पे आप जाते हैं, हाई वाइब्रेशन पे आप जाते हैं। कीप ऑन सब्सक्राइबिंग एनर्जी डॉक्टर। सी यू नेक्स्ट टाइम, सी यू अराउंड। और हम अपना एनर्जी ड्रिंक, एनर्जी डॉक्टर का फेवरेट एनर्जी ड्रिंक पीते हैं।